हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है वो रिक्रूटमेंट है। यहां पे मैं रिक्रूटमेंट को बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट का पर्टिकुलर प्रोसेस बताऊंगा जो आपको एक ओवरव्यू देगा कि बेसिकली रिक्रूटमेंट होता क्या है और कंपनी में ये काम क्या करता है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या क्या प्रोसेस होंगे, किन किन स्क्रूटनी से आपका रिज्यूमे जाएगा और आपका प्रोफाइल जाएगा और फिर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अब रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है, ये एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन करने का एक सूटेबल कैंडिडेट को, ताकि वो कंपनी के वर्कफोर्स में ऐड हो सके। ठीक है, तो एक एचआर या जो रिक्रूटर होता है ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हैंडल करते हैं और इनका बेसिकली काम ही वही होता है कि एक सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढना जो कि कंपनी के जो गोल्स हैं उनको मीट करे, कंपनी के कल्चर को समझे और कंपनी में अपना योगदान दे। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का जिसको एचआर या कंपनी का जो रिक्रूटर है वो हैंडल करते हैं और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आप कंपनी के सिलेक्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पहला इंटरव्यू हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपका रिज्यूमे सिलेक्शन होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होने के बाद फिर उसके बाद ये आपका रिज्यूमे जो है मैनेजमेंट के पास जाता है, फिर वहाँ डिस्कस होता है, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनके ऊपर मैं अभी बात करूंगा स्लाइड में। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टेप्स को मिलकर ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स बिफोर कैंडिडेट बीन सिलेक्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, और रिक्रूटमेंट दोस्तों ये एक कंपनी का बैकबोन होता है, प्राइमरी बैकबोन होता है, ताकि ये एक हेल्थी वर्कफोर्स मेंटेन कर पाए अपनी कंपनी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था रिक्रूटमेंट का बेसिकली मीनिंग और क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका प्रोसेस समझने के लिए। यहाँ पे हम जानते हैं कि टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं, कि किस प्रकार के रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है इन हाउस रिक्रूटमेंट। अब इन हाउस रिक्रूटमेंट क्या होता है, इन हाउस रिक्रूटमेंट वो होता है जिसमें कंपनी का जो एचआर होता है या कंपनी का जो रिक्रूटर होता है या एचआर डिपार्टमेंट पूरा, ठीक है, वो अपने से ही रिक्रूटमेंट करते हैं और उस रिक्रूटमेंट में वो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, रेफरल यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के मेथड होते हैं सारे मेथड यूज़ करके वो जो रिक्रूटमेंट करते हैं उसको इन हाउस रिक्रूटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार अगर आप लोगों के पास कॉल आती है कि कंपनी से आती है, बोलते हैं कि मैं कंपनी का एचआर बोल रहा हूँ, तो वो इन हाउस रिक्रूटमेंट होता है। ठीक, एक होता है थ्रू एजेंसी, जिसको हम जो है वो इन हाउस रिक्रूटमेंट नहीं होता, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, वो है थ्रू एजेंसीज। तो एजेंसीज में क्या होता है, ये आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरी आउटसोर्स कर दी जाती है एजेंसीज को और फिर वो एजेंसी जो कि दूसरी कंपनी होती है उसकी, जो कि कंसल्टेंसीज होती हैं, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हैंडल करती हैं। और इससे क्या रहता है कि जब वो लोग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हैंडल करती है तो कंपनी अपने कोर बिजनेस में फोकस कर सकती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने मेन काम में फोकस करती है, वो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि एजेंसी ही पूरा काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आता है आईजेपी। आईजेपी का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होता है। अब इंटरनल जॉब पोस्टिंग बेसिकली क्या होती है, जब किसी कंपनी में अच्छा काम चल रहा होता है और वहाँ पे लगता है कि हाँ किसी एक पोस्ट की और ज़रूरत है और कंपनी के एचआर को लगता है कि हाँ हम अंदर से ही हायर कर सकते हैं अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट मिलता है, तो तब आईजेपी जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ पे। और वहाँ पे प्रोसेस सेम ही रहता है इंटरव्यू का। ठीक है, लेकिन वो कंपनी से ही एक पर्टिकुलर कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नामांकित होता है। ठीक है, तो उसी का इंटरव्यू लिया जाता है और अंदर ही अंदर उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, इसको हम आईजेपी बोलते हैं। फिर अगला आता है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इन हाउस रिक्रूटमेंट की जाती है, जिसमें बहुत सारे पोर्टल जैसे naukri.com हो गया, monster.com हो गया, ठीक है, इंडीड हो गया, आजकल लिंक्डइन के थ्रू भी जो है रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे पोर्टल्स यूज़ करके जो है रिक्रूटमेंट जो की जाती है उसको हम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बोलते हैं। रेफरल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारी जो पोजीशन क्लोज होती हैं वो रेफरल के थ्रू हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जहाँ बड़े बड़े फर्म्स होते हैं,
उनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, अगर ओपनिंग आती है तो एचआर सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है कि आपके पास अगर कोई रेफरल है तो वो हमें बता दें और हम उसके हिसाब से कैंडिडेट देख लेंगे। तो जब किसी कोई ओपनिंग कंपनी में आती है तो वो लोग जो एचआर होता है वो अंधेरे से ही हायर कर लेता है उनके रेफरल के थ्रू, अपने एम्प्लॉय के रेफरल के थ्रू, ठीक है। तो वो ओपनिंग बाहर नहीं आती, इसलिए आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत कम उस ओपनिंग आती है। हालांकि ओपनिंग आती है उनके पास, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्लोज हो जाती है, तो इसलिए वो आपको पोर्टल्स में नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये तो रेफरल होता है, ठीक है। तो चीजें थी टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होता है रिक्रूटमेंट में, ठीक है, कैसे करके प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का चलता है। तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिक्रूटमेंट अगर एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं तो बहुत ही लंबी वीडियो जाएगा ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है, जिससे आप लोगों को पता लगे कि हाँ मेरा अभी जो कैंडिडेट अभी है, अभी थोड़े दिन में कॉल आ सकता है, ठीक है। तो हताश ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बेसिकली रिक्रूटमेंट में प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहला काम होता है, जब किसी पोर्टल से रिज्यूमे निकाले जाते हैं या रिज्यूमे आता है कैंडिडेट के पास रेफरल के थ्रू या कैसे भी रिज्यूमे आता है, तो सेलेक्ट किए जाते हैं रिज्यूमे, ठीक है। अब रिज्यूमे जैसे सिलेक्टेशन हो जाता है तो पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरे में स्क्रीनिंग की जाती है। अब रिज्यूमे स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोजिशन के लिए एक ओपनिंग आई, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें आनी चाहिए कैंडिडेट को, तो उसके बेसिस पे वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करना या स्क्रीनिंग करना दोनों एक ही बात है, ठीक है। जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो रिज्यूमे जो है जो मैनेजमेंट के पास जाता है, जो भी टीम लीडर है जो इंटरव्यू लेना चाहेंगे उनके पास जाता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है थर्ड फेज पे। जब थर्ड फेज पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर वहां पे इंटरव्यू होने के बाद जैसे आपका दो तीन इंटरव्यू होंगे, बहुत सारी कंपनियों में पांच पांच छह छह इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो वो सारे इंटरव्यूज जो हैं होते हैं, उनके होने के बाद जब आपका शॉर्टलिंग लिस्टिंग फेज आता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कैंडिडेट ने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, तो उसका रिज्यूमे जो है एचआर के पास जाता है और उसमें फीडबैक लिखे होते हैं, उसके बेसिस पे जो है शॉर्टलिस्टिंग होती है कि अच्छा इस कैंडिडेट का ये फीडबैक है, इस कैंडिडेट का ये फीडबैक है, किसी कैंडिडेट का काफी अच्छा फीडबैक होगा, किसी कैंडिडेट का थोड़ा कम अच्छा फीडबैक होगा, तो उसके बेसिस पे जो है एचआर शॉर्टलिस्ट करता है कि अच्छा ये कैंडिडेट हमें लेना है मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद। और उसके बाद जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है कैंडिडेट की, तो एचआर फिर कॉल कर देते हैं ऑफर लेटर देने के लिए, ठीक है। तो आखिरी जो स्टेप होता है वो है गिविंग एन ऑफर लेटर। जैसे ऑफर लेटर दे दिया जाता है तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है दोस्तों रिक्रूटमेंट का, और आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और काफी यूजफुल लगा हो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही यू नो इम्पोर्टेंट कंटेंट वाले जो वीडियोस हैं, जो एचआर रिलेटेड कंटेंट हैं, उनको लेके मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना था दोस्तों, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।